पाकिस्तान के मंत्री हमेशा ही अपनी बचकाने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं कि वो लोगों को रास नहीं आती। और हाल ही में पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने संसद में एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते वो ट्रोल होने लगे हैं। इमरान खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संसद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस वीडियो में इमरान खान आपको यही कहते नजर आएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अलकायदा सरगना और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को संसद में शहीद करार दिया, जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? यही नहीं, खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। अमेरिका पर बरसते हुए खान ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को शहीद कर दिया और पाकिस्तान को बताया भी नहीं, और इसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की ही बेइज्जती करने लगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बयान में खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को संसद में शहीद करार दिया और कहा कि ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद पाकिस्तान को बहुत जिल्लत उठाना पड़ी। वहीं दूसरी ओर FTS ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की बात पर बने रहने का फैसला किया है। FTF को ये लगता है कि वहीं दूसरी ओर FTF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की बात पर बने रहने का फैसला किया है। FTF को ये लगता है कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध होने पर अंकुश लगाने में विफल रहा, इसलिए फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इमरान खान का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनके बेतुके बयान पर अजीबो गरीब रिएक्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।